कैसे हो? अभी हम आपको हिंदी में हाफ एवरी तक मात्राओं का एड तक की मात्रा करा दी है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका अभ्यास काल। अभ्यास काल में मैंने आपको दो अक्षर और तीन अक्षर, चार अक्षर के शब्द दिए हैं, उसको आपको पढ़ना है, उसके बाद लिखना है कॉपी में। आज का जो वर्क है, अब हम आपको मात्रा आप भी स्टार्ट कर रहे हैं, आज से शुरू कर रहे हैं, फिर से लेकर फिर से अभ्यास काल करा रहे हैं। और बहुत ध्यान से बच्चों, बहुत ध्यान से आपको मात्रा का अंतर समझना है। हम आपको ये मात्रा का अंतर समझा रहे हैं कि जब हम किसी शब्द पे मात्रा नहीं लगाते तब हम उसको कैसे बोलते हैं, और जब मात्रा लगाते हैं तब हम उसका उच्चारण कैसे करते हैं, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखिए, जैसे आपकी मैम पढ़ रही है बिल्कुल वैसे ही आपको पढ़ना है, बिल्कुल वैसे ही, तभी आपको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और बिल्कुल शांत होकर के देखिए, पहले देखिए ग ल, ये हम आपकी ये जो आपकी बुक किताब है उसको उसमें ही दिखा रहे हैं पहले मात्रा का ज्ञान ऐसा शेरू से। अब हम आपको देखिए पढ़ो और अंतर समझो, हम यही आपको समझाना चाह रहे हैं कि कैसे जब मात्रा नहीं लगाते हैं तब उस शब्द को बोलते हैं, और जब मात्रा का प्रयोग करते हैं तब कैसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो क ल कल, अब क पे आपकी मात्रा लगा दिए, तो हमने आपको बताया है ना कि आपकी मात्रा लगाते हैं तो उसका कैसे उच्चारण करते हैं, का क, और मात्रा लगा दिए तो का, जैसे क पे मात्रा लगाए तो का ल, काल कल, आने वाला कल, बीता हुआ कल, काल समय को कहते हैं, ठीक है। जब आप बड़े होंगे तब इसको पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ मात्रा का ज्ञान कराना है। चर 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 चर, जब आपकी मात्रा लगाए तो उसका उच्चारण हो जाएगा चा चार चार चर चार, छपना होता है, और छपे आपकी मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा छा छाप छाप, छापना छाई करने वाला जो काम होता है ना उसको। जग जग, छपे आपकी मात्रा लगाए तो क्या हो जाएगा जाग जाग जाग, जाग मतलब जगना होता है, जैसे आप रोज जगते हैं, जग मतलब संसार। खट खट, और घपे आपकी मात्रा घाट घाट, खट माने खड़ा होता है, और घाट नदी का किनारा जहाँ पे होता है उसको घाट कहते हैं। पर आपको यह क्या समझना है, जब मात्रा लगा दिए तो हम क्या बोलेंगे घाट, और बिना मात्रा के घट घट घाट। ऐसे ही और भी शब्द दिए हुए हैं आपकी किताब में, उसको जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे पढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे। अभी मैं उसको आपको अभ्यास करा देती हूँ एक बार, आप उसको मैं पढ़ा दे रही हूँ और आपको अपने आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें है देखिए कला क नपया की मात्रा ला कला, तो जब दो अक्षर हो जाता है का लपया की मात्रा ला काला, च रा चरा, चपया की मात्रा हो जाएगा तो चा, रपया की मात्रा हो जाएगा तो राग,